प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदल रहा है हमारा भारत। घरेलू उत्पाद, निर्यात, उत्पादन और रोजगार सृजन की प्राथमिकता पर उन्होंने हमेशा जोर दिया है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जैसी पहलों से नौकरियों और रोजगार में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। ऐसे ही अभियान रोजगार मेला से अगले एक साल में कुल 10 लाख भर्तियां करने का लक्ष्य है। देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। ये कड़ी है रोजगार मेले की। आने वाले महीनों में इसी तरह लाखों युवाओं को भारत सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। अक्टूबर 2022 में देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जहां 75,000 से अधिक नव नियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। आई एम थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड इंडियन रेलवे टू सर्व द नेशन। लास्टली आई एम ग्रेटफुल टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर क्रिएटिंग सच अ जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ ऑफ अवर नेशन। मुझे केंद्रापाड़ा डिवीजन से एज अ पोस्टल असिस्टेंट मिला है और मैं प्रधानमंत्री को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आई गॉट प्लेस्ड इन कैनरा बैंक एज प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड थैंक्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड श्री नरेंद्र मोदी जी फॉर फास्टनिंग अप ऑल द प्रोसेस सो दैट आई गॉट द जॉब सो फास्ट। थैंक यू। आज फिर से देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्र चयनित उम्मीदवारों को सौंपे जा रहे हैं। आज के नव नियुक्तों में शामिल हैं अर्धसैनिक बलों में पुलिस कांस्टेबल, शिक्षक, नर्स, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और अनेकों विभागों में अनन्य पद। मिशन कर्मयोगी इन्हें रोल बेस्ड लर्निंग के लिए आई गॉट प्लेटफॉर्म पर श्रेष्ठतम प्रशिक्षण भी